अब तक आपने देखा। श्रीलंका से महाराज के मित्र राजा धर्मपाल अपनी पत्नी रानी मुनमुन के साथ पधारते हैं। रानी मुनमुन की मन्नत और उनके व्यक्तित्व परिवर्तन विकार के बारे में जानकर महाराज श्री कृष्ण देव राय अपने मित्र को रानी मुनमुन की सुरक्षा का आश्वासन दिलाते हैं और उन्हें मन्नत पूरी करने तिरुपति प्रस्थान करने को कहते हैं। अब आगे ये देखिए रानी मुनमुन, ये बनारसी साड़ी है, इसका एक एक धागा ना स्वर्ण का है, जुलाहों ने विशेष रूप से हमारे लिए बनाई है। ये साड़ी महारानी चिन्ना देवी को बहुत पसंद है, परंतु महाराज ने हमें भेंट स्वरूप दी है ना महारानी चिन्ना देवी। ये देखिए रानी मुनमुन, ये विश्व का सबसे अमूल्य हार है, विशेष रूप से स्वर्णकारों ने ये हमारे लिए बनाया है। कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ महारानी तिरुमलम्बा के पास भी होना चाहिए, है ना महारानी तिरुमलम्बा। हमें इस नौलखे शैली का हार बिल्कुल पसंद नहीं। आप ना ये देखिए, ये है हीरे मोती जड़ित कंगन, ये भी महारानी चिन्ना देवी को बहुत पसंद है, परंतु महाराज ने हमें भेंट स्वरूप दिए हैं। वो क्या है ना, हमें हाथ भारी भारी लगते हैं, इसलिए हम हीरे जड़ित कंगन नहीं पहनते। ये देखिए, ये है अनोखा कमरबंद, महाराज इसे युद्ध में जीत कर लाए थे और उन्होंने प्रेम स्वरूप हमें भेंट कर दिया, परंतु महारानी तिरुमलम्बा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों महारानी तिरुमलम्बा, है आपके पास ऐसा कुछ? आप लोगों के पास जो है आप वो प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो है हमें प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं रानी मुनमुन, हम ना आपके साथ लंका चलेंगे सब देखने के लिए। महारानी तिरुमलम्बा, रानी मुनमुन अपने प्रतिभा के कौशल और ज्ञात कलाओं के प्रदर्शन की बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़िए, ये लीजिए रानी मुनमुन, ये आम और अदरक का रस लीजिए। हम और अदरक, ये तो हमने कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना और कभी पिया भी नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, आज पी लीजिए, लीजिए। आपको पता है रानी मुनमुन, हमारी पाक कला के ना बहुत लोग प्रशंसक हैं। हाँ वो तो हैं, जिनमें कुछ ही बचे। पीजिए। रानी मुनमुन, ओहो, आपको तो खांसी भी है। कोई बात नहीं, इस अदरक और आम के रस से ना आपकी सारी खांसी चली जाएगी। परंतु महारानी तिरुमलम्बा, ये खांसी तो आपके इस रस को पीने के बाद ही आरंभ हुई है ना। महारानी जी की जय हो, महाराज धर्मपाल अपनी रानी से मिलना चाहते हैं। महाराज धर्मपाल, लेकिन वो तो तिरुपति के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना। देख कर सुनना, क्या हो गया मुनमुन जी को, क्या हो गया? कोई तुरंत जाकर वैद्य को बुलाए, देखो हमारी रानी को क्या हो गया। महाराज हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, आप तो तिरुपति के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना। तो यहाँ कैसे? हाँ हम तिरुपति बालाजी के लिए जैसे ही प्रस्थान करने वाले थे, आपका स्मरण हो गया और हम विवश होके लौट आए। अच्छा हुआ ना रानी, आपको ऐसी अवस्था में जोड़ के हम नहीं गए। महाराज धर्मपाल जी, रानी मुनमुन बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी खांसी हुई है, वो शीघ्र ठीक हो जाएंगी। महारानी चिन्ना देवी जी, खांसी से कंठ खराब हो सकता, फिर बुखार आ सकता, फिर बुखार बढ़ सकता, और फिर क्या क्या हो सकता। महाराज हमें कुछ नहीं हुआ, अब तिरुपति के लिए निकलिए, ये मन्नत पूरी करने का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाइए, आपको मेरी सौगत। महाराजा धर्मपाल जी, आप यहाँ पर हैं? हम आपको हर जगह खोज रहे हैं, हमारे सैनिक हमारे घोड़े सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी के लिए प्रस्थान करना है कि नहीं? मित्र हम प्रस्थान से पूर्व रानी को विदाई का भेंट करना भूल गया था, इसलिए वापस आया। जी अब तो भेंट हो गई ना, चलिए प्रस्थान कीजिए। इस विदाई का जुदाई हम कैसे सहता?
खाजा आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप वहां जाके वापस आता आपकी रानी सुरक्षित रहता, अर्थात सुरक्षित रहती। महाराज जाइए, कृपया करके जाइए। एक का देख कर सुनना, चलो महाराज यहाँ इस दिशा में। चल। डब्बे, मैं सोच रहा हूँ आज है क्या, आज ना तो मेरा जन्मदिवस है ना ही हमारे विवाह की वर्षगांठ है। तो फिर व्यंजनों और मिष्ठानों की इतनी बड़ी सेना किसका संकेत है? पता नहीं लामा, शालदा तू भी थी, कुछ लग रही थी क्या? रामा, पत्नी का अकारण खुश होना उसके रुष्ट होने से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बंधु, सत्य कहता है तू। उठा लो उठा लो, जो व्यंजन जो मिष्ठान चाहिए जहाँ से चाहिए उठा लो। और फिर लो। परंतु उसके पूर्व तुम मुझे दो। क्या दूं? इतना सब कुछ बनाया है, तुमने भी अपनी मांगों की एक लंबी सूची तो तैयार की ही होगी ना? नहीं, कोई सूची नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए, तत्पश्चात हम आपके पैर दबाएंगे, आपके सर की मालिश करेंगे। आप इतना कार्य करते हैं, थक जाते होंगे ना? रामा, बलि देने से पूर्व बकरी की भी ऐसी सेवा की जाती है, भरपूर खिलाया जाता है, भोजन और मालिश। लेकिन मजा आ गया, मुझे तो शारदा के हाथ की मालिश चाहिए। तुझे अपने मालिश की पड़ी है, स्वार्थी कहीं का, चुप कर। शारदा तुम्हें क्या चाहिए? हमने अभी तो आपसे कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं बस। ये बाल की खाल निकालने वालों में से है, तू इसे बता क्यों नहीं देती कि तुझे श्रीलंका की महारानी मुनमुन से मिलना है। अच्छा, अब आई ना बात समझ में, रहस्यों की देवी शारदा देवी, तो ये रहस्य था इस आयोजन का, क्यों? सुना है रानी बहुत सुंदर है, हमें उनसे भेंट करनी है। क्यों, तुम उनके रिश्तेदार हो या वो कोई संग्रहालय में रखी वस्तु है जिन्हें जाकर देखना है? हमें उनसे मित्रता करनी है, हमें उनसे भेंट करने लिए चलिए ना। तुम्हें पता है वो कौन है? वो महाराज के मित्र की पत्नी है, महाराज के मित्र की, कोई आवश्यकता नहीं मित्रता करने की। अर्थात आप हमें उनसे मिलने नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, चल गुंडप्पे। ये देख गुंडप्पे, आ गई अपने बहू की रक्षक। क्या हुआ अम्मेश्वरी? निर्लज कहीं का। ऐसा हमने, अम्मा कह रही है शारदा तेरे लिए इतना कुछ करती है और तू है कि उसकी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ये तेरे साथ जाएगी तो तेरा सम्मान बढ़ेगा। अम्मा, ईश्वर की कृपा से मेरा पहले से ही बहुत सम्मान है। खाक सम्मान आए दिन दरबार से निष्कासित हो जाता है। समझ नहीं आता कि शाम को घर वापस आएगा या कारावास में बंद कर दिया जाएगा। छुपा हुआ धन और स्त्री का मन कभी कोई नहीं समझ सकता। कर लो अपनी इच्छा पूरी। हाँ, सच? परंतु हम ऐसे थोड़ी ना रानी से मिलने जाएंगे, हम तो तैयार होकर जाएंगे। अब आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम एक पहर में तैयार होकर आते हैं। अरे एक पहर में तैयार होकर आएगी ये? अब एक पहर तक हम क्या करें? चला भोजन खाते। जी लीजिए रानी जी, इसे पीते ही ना आपकी खांसी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे घोड़े के सर से सींग। महारानी तिरुमलम्बा, घोड़े के सर से सींग नहीं, गधे के सर से सींग गायब होना ऐसी कहावत है। हाँ वही, गायब तो सींग ही होते हैं ना महारानी चिन्ना देवी। लीजिए महारानी, पीजिए। अब क्या हो गया?
मेरे सर में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है, ऐसे लग रहा है कोई कीले ठोक रहा हो। अच्छा हम समझ गए, इसका भी उपाय है हमारे पास, हम अभी आते हैं। रानी मुनमुन हम आपके लिए अभी राजवैद्य को बुलाकर लाते हैं। रुकिए महारानी चिन्ना देवी, कोई राजवैद्य की बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा ये जामुन हींग और हरी मिर्च का काढ़ा है ना, ये सब ठीक कर देगा। लीजिए महारानी तिरुमलम्बा, हमें राजवैद्य को बुलवा लेने दीजिए, हमें भय है कहीं आपके इस काढ़े से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। महारानी चिन्ना देवी आपको हमारे बनाए काढ़े पर तनिक भी विश्वास नहीं है? महारानी तिरुमलम्बा हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आपके द्वारा बनाए गए इस काढ़े पर विश्वास नहीं है। क्या महारानी, हमारे कहने का तात्पर्य है कि रानी मुनमुन दूसरे देश से यहाँ आई है और प्रत्येक देश के नागरिकों का स्वास्थ्य वहाँ की जलवायु के अनुसार भिन्न होता है और इस स्थिति में राजवैद्य ही है जो हमें ये बता सकते हैं कि रानी मुनमुन को कौन सी औषधि देनी चाहिए कौन सी नहीं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी मुनमुन हमारी राजकीय अतिथि है, इसीलिए हमें राजवैद्य को तो अवश्य ही बुलाना होगा। परंतु जब तक राजवैद्य आएंगे तब तक तो हमारा बनाया हुआ काढ़ा आपको आराम पहुंचा चुका होगा। लीजिए रानी मुनमुन आप ये काढ़ा पीजिए। महारानी जी की जय हो, पंडित रामकृष्णा और उनकी पत्नी आई हैं। उन्हें शीघ्र लेकर आइए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम पंडित रामकृष्णा। क्या हुआ बड़ी महारानी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। और ये रानी मुनमुन ये क्या पी रही है? काढ़ा। काढ़ा अर्थात छोटी महारानी जी का बनाया हुआ काढ़ा? भगवान अब क्या होगा? मेरा सर दर्द चला गया, मेरी हिचकी भी चली गई, अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखा पंडित रामकृष्णा हमारे हाथों से बने हुए काढ़े का कमाल। महारानी मुनमुन। महारानी मुनमुन। महारानी क्या हुआ महारानी जी को? महाराज काढ़े ने अपना असर दिखा दिया, अर्थात महारानी मुनमुन काढ़े के प्रभाव में है। काढ़ा? महारानी तिरुमलम्बा? वो महाराज रानी मुनमुन सर दर्द और खांसी से ग्रसित थी तो हमने उन्हें काढ़ा बनाकर पिला दिया, परंतु हमें ये समझ में नहीं आया कि इन्हें चक्कर क्यों आया। महाराज जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो टुनटुना बाजे। पंडित रामकृष्ण आपके कहने का अर्थ क्या है? महाराज कहने सुनने का समय नहीं है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ। अभी आया। रानी मुनमुन, रानी मुनमुन। महाराज प्राणी की स्थिति ऐसी है जैसे इन्हें कोई गहरा मानसिक आघात लगा हो। महाराज हम अपनी अलौकिक शक्तियों से ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि यदि रानी को कोई आघात है तो क्या है। राजवैद्य जी आप कृपा करके रानी मुनमुन की चेतना वापस ले आएं, उसके उपरांत स्वयं इनके मुख से इनके आघात के विषय में जाना जा सकता है। हमें भली भांति ज्ञात है कि इन्हें किस बात का आघात लगा है। महारानी तिरुमलम्बा जी हाँ हम आप ही से कह रहे हैं, ये जो आपकी ये बनाने की वो बनाने की हट है ना, हम कहते हैं अभी इसी क्षण आप भूल जाइए। क्या आपको ज्ञात है कि आप जो भोजन बनाती हैं, जो विशेष व्यंजन बनाती है वो कितने आघातपूर्ण हो सकते हैं? किसी जहरीले रसायन से कम नहीं है वो। हम तो आपके भोजन से किसी ना किसी तरह बचते हैं, परंतु अब तो आपके भोजन के कारण लोगों को मानसिक आघात भी होने लगे हैं। महारानी तिरुमलम्बा आज के पश्चात आपने किसी को भोजन तो किया, जल तक देने का दुस्साहस किया है ना, तो हम कह देते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज आप हमें ये सब कुछ कह रहे हैं? हमें? हमने कहा राजवैद्य जी ये महारानी मुनमुन दूसरे देश से आई है ना, संभवतः यहाँ की हवा पानी और महल का जो भोजन है उससे भी हो सकता है स्वास्थ्य खराब हुआ।
महाराज, ये जलवायु परिवर्तन और भोजन परिवर्तन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, क्यों राजवैद्य जी? जी महाराज, तथाचार्य जी सत्य कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो जब तक रानी मुनमुन हमारी अतिथि है, ये केवल और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, और इस सात्विक भोजन का दायित्व हम देते हैं पंडित रामकृष्ण को। हाँ महाराज, हम स्वयं अपने हाथों से सात्विक भोजन तैयार कर देंगे। इसी प्रकार इस प्रकार सबको ज्ञात हो जाएगा कि शारदा कितना अच्छा सात्विक भोजन बनाती है। अब आपको हमें महल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही आ जाएंगे रानी मुनमुन का भोजन लेकर। महाराज, माता रानी की कृपा से औषधि ने काम किया है, रानी की चेतना लौट आई है महाराज, अब जोखिम खत्म। रानी मुनमुन, अभी आप कैसा अनुभव कर रही हैं? अद्भुत, अद्भुत। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए। ये रण क्षेत्र नहीं है, ये राजमहल है, और हम आपके अब अर्थात हम सब आपके मित्र हैं। रानी मुनमुन, हमें आपको इस प्रकार देख के अत्यधिक पीड़ा हो रही है। यदि आपके हृदय में कोई ऐसी बात है जो आपको पीड़ा दे रही है, तो कृपया कर हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुश्मनों को ना प्रेम से था, युद्ध ही धर्म है, युद्ध ही कर्म है। रुकिए रानी, रुकिए रुकिए, हमने आपके असली शत्रु को खोज निकाला है, आइए इसका वध कीजिए और अपनी तलवार की प्यास शांत कीजिए। जोखिम समाप्त हो गया है, यही कहा था ना, अब होगा जोखिम समाप्त जब रानी की तलवार तुम्हें जीवन समाप्त औषधि का सेवन करवाएगी। आइए महारानी, मारिए। महारानी जी, महारानी मुनमुन, यदि साहस है तो मुझसे टकराओ, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। पंडित रामकृष्ण क्या कर रहे हैं, क्यों ओखली में सर डाल रहे हैं? रुकिए मंत्री बार, आइए। हे भगवान, महाराज रानी एका डेका ढूंढना हो गई। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत, क्या सूझबूझ से काम लिया आज आपने। जी महाराज, कभी कभी सामने वाले के क्रोध और बल का उपयोग उसी के विरुद्ध करने से विजय अपनी होती है। रानी को दौरा पड़ा है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रानी मुनमुन व्यक्तित्व परिवर्तन विकार से पूर्व पीड़ित है, मेरे विचार से इन्हें विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। आज तो ये योद्धा बन गई है, कल ना जाने कौन सा रूप धारण कर ले। उठाइए उन्हें। हमारे लिए तो यही संतोष की बात है कि महाराज इस वक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हमने उन्हें वचन दिया था कि हम उनकी रानी की देखभाल करेंगे, वो इस समय यहाँ पर होते तो हमारे विषय में क्या सोचते हैं। महाराज, मेरे विचार से रानी मुनमुन के स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए पूर्ण विश्राम ही उत्तम औषधि होगी।
और इनके विश्राम में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। अब हम सबको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। रानी से मिलने की किसी को आवश्यकता नहीं, उन्हें एकांत में विश्राम करने दिया जाए। इनके समीप केवल दो दासियां रहेंगी। अब पंडित रामकृष्ण, भोजन आपके आवास से आएगा। रात्रि बहुत हो चुकी है, हम सबको प्रस्थान करना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.